नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज यानी कि 23 जून 2023 है, कल 22 जून 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्टर निकाली है और इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि पूरी पोस्टें कितनी है और इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की। जो इसका एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर बताया गया है कि आरबीआई वेरियस वैकेंसी 2023 ऑनलाइन फॉर्म के लिए बताया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जितनी भी वैकेंसी है ये सारी की सारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखी जा रही है। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीटेड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करने के लिए और क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए, वो नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इसका है 5A 2023-24। फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600+18% जीएसटी। फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल जो हैंडीकेप है उनके लिए 100+18% जीएसटी यानी कि 118 रुपये। और जो स्टाफ के हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड जो है डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट फॉर फी 21 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 11 जुलाई 2023। अब वैकेंसी की बात करते हैं पोस्ट। सबसे पहले जो डाटा साइंटिस्ट है इसकी 3 वैकेंसी है। एज लिमिट इसके अंदर 25 से 35 तक दिया हुआ है। डाटा इंजीनियर 1, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट 10, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8। इसके लिए एज 27 से 36 दिया हुआ है। आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए पोस्ट है 6। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 3। इन सबके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है डिग्री चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी कि अगर आईटी से तो आईटी से, फाइनेंशियल से तो फाइनेंशियल से, उससे रिलेटेड उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट माइक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग के लिए एक वैकेंसी है। एज 26 से 40। डाटा एनालिस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स एक वैकेंसी है 23 से 25 एज। और इनके लिए क्वालिफिकेशन जो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग के लिए है, पीएचडी चाहिए इकोनॉमिक्स में किया होगा। डाटा एनालिस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स इसके लिए एमएससी मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए। डाटा एनालिस्ट अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स इसके लिए 2 वैकेंसी हैं। एज 26 से 35। एमए एमएससी पीएचडी अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स और स्टेटिक्स इकोनॉमिक। इसी तरह डाटा एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के क्राइटेरिया रिस्क, डाटा एनालिस्ट मार्क रिस्क और एनालिस्ट लिक्विडिटी रिस्क। इनकी एज लिमिट दिया है 23 से 25, 30 से 40 और डिग्री पीजी पीएचडी रिलेवेंट डिसिप्लिन इसके लिए भी पीजी डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन और एमबीए पीजी डीबीए ये सब इनके लिए जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई, यहाँ पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखी सीधा लॉग इन करिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो पहले आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इस वीडियो के अंदर या इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सलूशन 100% मिलेगा। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।